हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एडी गोयल आईएनबीसी क्लिनिक से। हम आज दोबारा एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। आज की वीडियो का टाइटल, आज जैसे कि आप सब जानते हैं हम डिप्रेशन के ऊपर वीडियोस रन कर रहे हैं, तो आज के वीडियो का टाइटल है डिप्रेशन का ट्रीटमेंट। क्या डिप्रेशन एक ट्रीटेबल डिजीज़ है? क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? दोस्तों, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि जैसे बाकी बीमारियों का ट्रीटमेंट संभव है, उसी प्रकार से डिप्रेशन का ट्रीटमेंट भी बड़ा सरल और संभव है। बहुत ही आसान है इसका ट्रीटमेंट, लेकिन अक्सर बहुत लोगों का ट्रीटमेंट हो नहीं पाता। ये इस वजह से नहीं है कि ये ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है या डिफ़िकल्ट है, बल्कि इस वजह से है कि बहुत सारे और ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में मायने रखते हैं, जिनमें से स्पेशली है एक स्टिग्मा। स्टिग्मा यानी कि इसके साथ में जुड़ा हुआ टैबू कि कोई भी इंसान खुद को डिप्रेशन की डायग्नोसिस नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता कि ये लेबल किया जाए कि उसे डिप्रेशन हो गया है। वो ये भी नहीं चाहता कि वो लोग ये जाने कि वो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रहा है। ये एक सोसाइटी में अच्छी बात नहीं मानी जाती है। ये एक्चुअल में हमारी 21st सेंचुरी का बड़ा खराब कल्चर है ये वाला, जो अभी तक मॉडर्न नहीं हो पाया है। हम अभी भी पिछड़े हुए हैं इसमें। इसको कहते हैं साइकेट्रिक का स्टिग्मा जो है। इस वजह से बहुत सारे लोग हेल्प नहीं लेते, साइकेट्रिस्ट के पास में नहीं जाते, साइकोलॉजिस्ट के पास में नहीं जाते, और वो डिप्रेशन की बीमारी से उसी प्रकार से ग्रस्त चलते रहते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट दो तरीके से किया जा सकता है। पहला ट्रीटमेंट है मेडिसिन के द्वारा, दूसरा ट्रीटमेंट है टॉकिंग थेरेपीज या फिर काउंसलिंग के द्वारा। मेडिसिन के द्वारा हम बात करेंगे। मेडिसिन जो हैं वो एक बड़ा ही सरल उपाय है ट्रीटमेंट करने का, कि किसी भी पेशेंट को जिसको डिप्रेशन हुआ है, वो अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, तो साइकेट्रिस्ट अपनी क्लिनिकल इंटरव्यू से समझता है कि इसे मेडिसिन की ज़रूरत है, तो मेडिसिन स्टार्ट करके पेशेंट डिप्रेशन के बीमारी से बाहर आ सकते हैं। जो सबसे कॉमनली मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें SSRI कहते हैं। SSRI यानी कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअप्टिक इनहिबिटर्स जो होते हैं, ये बड़े कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाले मेडिसिन हैं। बल्कि ये अगर 1990 से लेकर 2000 तक US में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली मेडिसिन बन गई थी फ्लॉक्सिटीन, जो कि एक SSRI है। तो ये बड़ी कॉमनली यूज़ की जाती है और इनका अक्सर कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होता। इस डिप्रेशन की और भी बड़ी सारी मेडिसिन आती हैं, लेकिन SSRI सबसे कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका कोई कॉमनली साइड, बहुत सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होता है। और हमारी सोसाइटी में एक बड़ा, बहुत बड़ा वहम है कि ये दिमाग की दवाइयाँ, इनकी लत लग जाती है, इनकी एडिक्शन हो जाती है। ये टोटली फॉल्स है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी कोई लत नहीं लगती, इनकी कोई एडिक्शन नहीं। लेकिन ये हमेशा डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट के कहने पर ही स्टार्ट करनी चाहिए और इन्हें सडनली स्टॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी फिजिकल डिपेंडेंस होना एक नॉर्मल सी बात है। फिजिकल डिपेंडेंस और एडिक्शन दोनों बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं। इन दोनों में कोई सामान्यता नहीं। एक और चीज़ मैं इन मेडिसिन के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये जो दवाइयाँ हैं ये 2 से 3 महीने लेती हैं अपना काम कर। कि ऐसा नहीं है कि आज मेडिसिन स्टार्ट हो गई तो कल आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे खांसी में, मलेरिया में, टाइफाइड में होता है, ऐसा नहीं होगा। इन दवाइयों को असर करने के लिए 2 से 3 महीने का समय लगता है। उससे पहले बिल्कुल नहीं समझिएगा कि मेडिसिन असर नहीं कर रही है और उसे बंद कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ये मेडिसिन कैसे एक्ट करती हैं? ये मेडिसिन हमारे दिमाग में जाकर न्यूरोट्रांसमीटर्स के और न्यूरोरिसेप्टर के लेवल को चेंज कर देती हैं, उनकी इंटेंसिटी को चेंज करती हैं। इस माध्यम से ये एक्ट करती हैं। लगभग 80 से 90% डिप्रेशन के मरीज इन दवाइयों के द्वारा सही हो सकते हैं। अब हम दूसरे तरीके की बात करेंगे ट्रीटमेंट की, जो है काउंसलिंग या टॉकिंग थेरेपीज। काउंसलिंग या टॉकिंग थेरेपीज भी कई प्रकार के होते हैं। इनमें से ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाली जो थेरेपीज हैं वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ओनली बिहेवियरल थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपी, माइंडफुलनेस मेडिटेशन थेरेपी,
डीप मसल रिलैक्सेशन थेरेपी, इवन कि योगा थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी थेरेपीज हैं और साइकोडायनेमिक एंड साइको एनालिटिकल थेरेपीज जो कि आजकल इतनी ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं होती हैं। तो ये सारी थेरेपीज हैं जो कॉमनली इस्तेमाल की जाती हैं। ये जब हम थेरेपीज की बात करें, थेरेपीज बड़ी ही इफ़ेक्टिव चीज़ है और हर इंसान जो कि ना डॉक्टर के पास जाता है वो शुरू में सोचता है कि मैं तो केवल थेरेपी ले लेता हूँ, लेकिन इसमें एक बड़ा ड्रॉबैक है, प्रैक्टिकल ड्रॉबैक है। मैं हमारे इंडियन सिस्टम की बात करूंगा, मैं कोई इंटरनेशनल सिस्टम की बात नहीं करूंगा। जो पेशेंट यहाँ पर इंडियन सिस्टम में एक साइकेट्रिस्ट के पास में ट्रीटमेंट के लिए जाता है, थेरेपिस्ट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल के तरीके की हो जाती हैं। ऐसा क्यों? सबसे पहला कारण, थेरेपी जो है उसका सिंगल सेशन एक एक घंटे तक चला जाता है। जब सिंगल सेशन एक एक घंटा या उससे भी ज़्यादा जाता है तो जो थेरेपिस्ट होता है, डॉक्टर होता है, वो उतनी फीस उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी फीस क्लाइंट नहीं दे पाता और इसलिए थेरेपीज नहीं हो पाती। दूसरी चीज़, अगर एक थेरेपी को एक एक घंटा या एक घंटे से ज़्यादा लगेगा तो एक डॉक्टर पूरे दिन के अंदर 5 से 7 मरीज ही देख सकेगा, इससे ज़्यादा नहीं देख पाएगा। जबकि हमारे इंडियन सिस्टम में ऐसा नहीं है। हमारे इंडियन सिस्टम में एक एवरेज डॉक्टर 30 से 40 पेशेंट देखता है और कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 100-150 पेशेंट, 100-150 पेशेंट्स भी देखते हैं। तो उस सिनेरियो में थेरेपी कैसे पॉसिबल है? बल्कि मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि कॉमनली हमारे कल्चर में कि कौन सा डॉक्टर कितना सक्सेसफुल है इसको देखने के लिए भी ये दायरा इस्तेमाल किया जाता है कि उसके पास पेशेंट कितने आते हैं। अगर वो 150 पेशेंट देखता है तो वो बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर है, और अगर केवल 5 पेशेंट देखता है तो वो बहुत ही अनसक्सेसफुल डॉक्टर है। तो इसलिए डॉक्टर भी ज़्यादातर नहीं चाहते कि हम थेरेपीज करें। और इसका एक बड़ा ड्रॉबैक होता है कि थेरेपीज के अंदर पेशेंट को घर जाकर बड़े ही रेगुलर एंड डिसिप्लिन तरीके से ऑलमोस्ट रोज़ाना होमवर्क करना पड़ता है। ये होमवर्क आधा घंटा से एक घंटा तक ले जाता है। होमवर्क के अंदर उन्हें जो सिखाई गई टेक्निक्स होती हैं जो थेरेपी के अंदर, वो घर पर जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हर रोज़ डिसिप्लिन तरीके से अपना थेरेपी के लिए टाइम निकालना और घर पर ऐसे करना, ये मुश्किल काम है जो कि ज़्यादातर पेशेंट नहीं कर पाते। बल्कि मैं कहूँगा मेरे शायद 1-2 पेशेंट ही अभी तक ऐसे हुए जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने डिसिप्लिन तरीके से थेरेपी को फॉलो किया, बाकी पेशेंट ऐसा नहीं कर पाते। और मैं अगर ड्रॉबैक की बात करूँ थेरेपीज की, तो इनका रिजल्ट टाइम थोड़ा मेडिसिन से भी ज़्यादा लंबा होता है। हमें पेशेंस रखनी पड़ती है कि इसका रिजल्ट आएगा, उतना देर उतना पेशेंस मरीजों के अंदर और इवन डॉक्टर्स के अंदर भी नहीं होता है, जिस कारण से मुश्किल होता है। हालांकि मैंने आपको बहुत सारे ड्रॉबैक्स बताए थेरेपीज के, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये इन्फीरियर है या ये अच्छा मेथड नहीं है। थेरेपीज एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसको अगर कायदे से फॉलो किया जाए और अगर पॉसिबल हो तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नवीनतम तरीके भी हैं जिससे डिप्रेशन का इलाज किया जा सकता है। ये TDCS एंड RTMS कहलाते हैं। TDCS मीन्स ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन, जिसके अंदर हम ब्रेन को डायरेक्ट करंट देते हैं। याद रखिए, जो टीवी में आप ECG देखते हैं, दिमाग को करंट देना देखते हैं, उसमें और इसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, बिल्कुल भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है। TDCS बिल्कुल अलग टेक्निक है, जिसमें पेशेंट ऐसे बैठा रहता है और उसका एक इलेक्ट्रोड यहाँ और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा दिया जाता है, उसे कुछ पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। 20 से 30 मिनट का एक सेशन होता है और सेशन के अंदर पेशेंट को कुछ भी पता भी नहीं चलता। दूसरा तरीका होता है ट्रीटमेंट का RTMS। ये हमारे सिर के अराउंड, हमारे ब्रेन के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है, जिससे न्यूरॉन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और फिर न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस आते हैं, जिस कारण से डिप्रेशन ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, हमने आज के इस वीडियो में देखा कि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट क्या संभव है, अगर संभव है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। हमने अलग अलग तरीकों की बात की। अगर आप इससे कुछ ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो या फिर इसका ट्रीटमेंट हमसे करवाना चाहते हो, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट डाउन कीजिए, 9031913191। हमारी वेबसाइट है www.inpc.in।
नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।